Now question number 2, third part, taking right hand side, पिछले parts की तरह, Cn2 sin alpha by 2 into sin beta by 2 into secant gamma by 2. This can be written as sin alpha by 2 sin beta by 2, और अब सीकेंट जो है वो नीचे आ जाएगा तो कॉस बन जाएगा, तो कॉस गेमा बाय 2। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, सी इंटू साइन अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी मल्टीप्लाई साइन बीटा बाय 2 एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर ए सी। अब यहां पर डिवाइड लिख देता हूं पिछले क्वेश्चंस की तरह, और अब कॉस गेमा बाय 2 कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला स्क्वायर रूट एस एन टू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब ए की स्क्वायर रूट के अंदर लिखता हूं एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी इंटू ए सी। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूं और नेक्स्ट इस फ्रैक्शन को उलट कर देते हैं ए बी ओवर एस एन टू एस माइनस सी। इन सब को एक स्क्वायर रूट के अंदर लेके आते हैं, दिस इज एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू ए बी ओवर बी सी इंटू ए सी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए यहां पर ए और ए की कटिंग हो जाती है, बी और बी की कटिंग हो जाती है, एस माइनस सी और एस माइनस सी की कटिंग हो जाती है। अब रह जाता है सी स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वाला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर सी स्क्वायर, सी और सी मल्टीप्लाई होंगे और एक एस रह जाता है। अब हमने ऊपर वाला डेल्टा का फॉर्मूला बनाने के लिए एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट डाल लेते हैं, तो सी स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर सी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, और इन सब इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब ऊपर वाला बन जाएगा डेल्टा और नीचे स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएंगे सी इंटू एस, और यहाँ पर सी और सी की कटिंग हो जाती है तो डेल्टा ओवर एस रह जाता है, तो डेल्टा ओवर एस इज इक्वल टू आर व्हिच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।